Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me, Pinkush Godara, and I hope everyone is doing extremely well. So I am back with another haul video. लेकिन थंबनेल से देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज की वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ Zara वर्सेस H&M हील्स हॉल गाइज। एक साइड में शेयर करूंगी Zara के हील्स और दूसरी साइड में शेयर करूंगी H&M के हील्स और उनके सारे की प्राइस डिटेल्स, लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी अगर अभी तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ होगा तो। लेकिन कलेक्शन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश, ट्रेंडी, कंफर्टेबल हील्स आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ गाइज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज डू फर्स्ट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और पास में दिया बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप मेरी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो Zara के हील्स के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपके साथ 3 Zara की हील्स कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट वन जो है माई मोस्ट फेवरेट ये वाली हील्स गाइज, ये मैंने अपनी शादी में हील्स ली थी एंड आई रियली लव द स्टाइल और जो पैटर्न है इस हील का मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाली हील्स। इसका जो कलर है वो प्रिटी बेज न्यूड कलर है, इसकी जो हाइट है वो भी काफी ज्यादा मीडियम सी हाइट है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल आप नहीं हो सकते हैं इस हील के अंदर। एंड इसका जो फ्रंट का जो डिजाइन है इट्स इन प्रॉपर शिमरी के अंदर एंड इसके अंदर यहाँ पे फ्रंट में स्टोन लगे हुए हैं जिससे ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड काफी ज्यादा स्टाइलिश भी लगता है। एंड गाइज इसका जो ऊपर का मटेरियल है दैट इज ट्रांसपेरेंट जो सिलिकन होता है वो इसके ऊपर यूज किया हुआ और उसके ऊपर यहाँ पे ये स्टोन्स ऐड किए हुए हैं जिससे बहुत ही ज्यादा शाइनी और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश ये पीस बन गया है। प्लस यहाँ पे इसके कंफर्ट जोन को और आपका पैर बाहर ना निकले इससे कि ये इलास्टिक दिया हुआ है जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ओवरऑल इस हील को मैं 100 out of 100 रेट करूंगी बिकॉज दिस इज वेरी कंफर्टेबल और कंफर्ट के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, प्लस आपके पैर में पहनी हुई बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। एंड गाइज ये वाली हील्स मैंने अपनी शादी में ली थी तो ऑलमोस्ट वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर, ट्रेडिशनल हर एक आउटफिट के साथ ये वाली हील्स आपके चली जाएगी एंड आप किसी भी टाइम इस हील्स को पहन सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसका जो फैशन है बहुत ही जल्दी जाने वाला है क्योंकि दिस इज सो डिफरेंट एंड सो यूनिक एंड सो स्टाइलिश। सो बिग थम्स अप टू दिस वन गाइज। एंड इसका जो प्राइस था दैट वाज रुपीज 3299। सो ओवरऑल 3300 की ये वाली हील्स मुझे मिली थी एंड आई लव्ड इट। सो इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगे प्लीज गाइज गो एंड चेक आउट because this is so good and so comfortable. Highly recommending this one. अब बात करते हैं Zara की heel number 2 जो कि मैंने ली ये प्रॉपर ग्रीन कलर की हील्स के अंदर। आपने मेरी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने मेरी कुछ फोटोज में ये हील्स पहनी हुई देखी होगी बिकॉज आई रियली लव दिस वन। इसके अंदर ना उनके पास और भी बहुत सारी शेड्स अवेलेबल थी, उनके पास रेड कलर था, पिंक कलर था, पर्पल कलर था। आई पिक्ड ग्रीन कलर क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश मुझे लगा और अभी ना ग्रीन कलर का फैशन भी बहुत ही ज्यादा आ रहा है तो मैंने ये लिया। इसका जो अंदर का सोल है वो क्विल्टेड वाला सोल है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल अंदर से आपका पैर रहता है, काफी सॉफ्ट रहता है अंदर से। ऊपर जो इसके फैब्रिक यूज हुआ है उसकी क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम। इसका जो हाइट, इसकी जो हील हाइट है वो थोड़ी सी हाई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। इसकी जो हील है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि चल नहीं पाओगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 3 to 3.5 inches हील है इसकी, इजीली आप चल पाते बिकॉज दिस पैर इज सो कंफर्टेबल। एंड में इसके ये इलास्टिक दिया हुआ है। थोड़ा सा इश्यू मुझे इसके अंदर ये आता है कि एक पैर का इलास्टिक तो मुझे एकदम फिट आता है, दूसरे पैर का जो इलास्टिक है वो थोड़ा सा लूज रहता है। सो आई डोंट नो कि मेरे पैर में थोड़ा सा चेंजेस है या फिर इसके रबड़ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल इसका जो साइज, इसका जो स्टाइल, इसका कंफर्ट लेवल, एवरीथिंग इज सो गुड एंड सो परफेक्ट। एंड इसका जो प्राइस था दैट वाज रुपीज सेम 3299, 3599, 3600 की मैंने ये हील ली एंड हाईली रिकमेंडिंग दिस वन। आप दूसरे कलर्स भी देख सकते, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी लुक आपको ये देता है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। सो बिग थम्स अप टू दिस वन। अब बात करते हैं हील नंबर 3 की जो कि मैंने ली Zara से ही एंड ये वाली जो है अगेन प्रिटी लेवेंडर कलर। यू गाइज नो हाउ मच आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर। अभी तक मैंने इस हील्स को पहना नहीं है, मतलब कभी ऐसा मौका मिला नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल इसे पहनना चाहूंगी, स्टाइल करना चाहूंगी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी शेड, इट्स वेरी प्रिटी, बहुत ही ज्यादा अच्छा सा कलर है ये। एंड सेकेंड इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा डिफरेंट, काफी ज्यादा यूनिक है। इसके यहाँ पे एक डायमंड्स के अंदर स्ट्रैप दे रखा है आपके पैर पे, जो इसका लुक जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा है इससे इसका। एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसका भी जो सोल है वो क्विल्टेड वाला सोल है, तो आपके पैर को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है ये। अंदर से आपको बिल्कुल भी इरिटेशन या चुभता नहीं है आपका पैर, या हार्ड नहीं जाती है आपकी हील्स जो है आपके पैरों पे। एंड इसका जो सोल है नीचे का वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। साइज जो मैंने इन हील्स का लिया है वो 38 नंबर लिया है सारी की सारी हील्स, एंड साइज मुझे एकदम फिट आया है। एंड इसकी भी जो हील हाइट है वो जो फर्स्ट मैंने बेज कलर में आपको हील्स दिखाई थी ना, सेम एग्जैक्ट उतनी ही हील हाइट है। आई थिंक 2 इंचेस हील हाइट है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हाई हील्स अच्छी नहीं लगती है, इतनी हील्स का साइज मुझे एकदम परफेक्ट लगता है कि इसमें आप आराम से चल पाते हो, भाग पाते हो, गिरने का डर नहीं रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। Overall, I really like this shade and I really like this pair, guys. Highly recommending this one. इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे go and buy this right now. And इसका भी जो प्राइस था that was ₹3,299, so big big thumbs up to this one. अब बात करते हैं H&M heels की, जो कि इनके रेट्स के हाफ रेट में ही मुझे मिल गई थी। Zara की heels 3,000 से नीचे नहीं मिलती है, कभी कभार कोई सेल में एक आधे चांसेस हो सकते हैं कि आपको एक आधा पैर मिल जाए, अदरवाइज तो आपको कोई चप्पल भी आई डोंट थिंक सो कि 3,000 से नीचे मिलेगी। कपड़े मिल जाएंगे ही, फुटवेयर और बैग्स आई थिंक थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। H&M का सब कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाता है। तो हील नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया तो आपने वहाँ पे ये हील्स देखी होंगी। ये हील्स मैंने ली थी H&M से, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश मुझे लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। कंफर्ट की बात करूँ ना तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और कुछ भी हो सकता है, ये हील्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड गाइज अब बात करते हैं इसके हील हाइट की। हील हाइट इसकी बहुत ही ज़्यादा मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई हील्स नहीं है। आई थिंक 2.5 इंचेस इसकी हील हाइट होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फ्रंट से इसका लुक कुछ इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है आपके पैरों में पहना हुआ। वाइट एंड ब्लैक कलर, दो कलर्स इसके अंदर अवेलेबल थे। आई पिक्ड वाइट कलर क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा लग रहा था। ये वाला जो पैर था मुझे लगा वाइट कलर के अंदर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो मैंने वाइट कलर उठाया। एंड ये हमें स्ट्रैप्स दे रखे हैं जो आप ऊपर अपने पैर पे टाई कर सकते हो, जो आपकी ड्रेसेस के नीचे अगर आप इन हील्स को पहनते हो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ना अपने प्री वेडिंग फोटोशूट के अंदर ये वाली हील्स ड्रेस के नीचे पहनी थी एंड द लुक वाज अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक ये दे रही थी। तो हाईली रिकमेंडिंग गाइज। एंड इसका जो साइज मैंने लिया दैट वाज 38। फिटिंग इज एब्सोल्युटली फिट, बिल्कुल मेरा पैर इसके अंदर फिट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। एंड इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। इसका जो प्राइस था दैट वाज 2,199, बट आई गॉट दिस पेयर फॉर ₹1,699। सेल में मैंने ये पैर लिया था एंड 1,700 का मुझे ये मिला, जो कि ज़ारा की आधे रेट पे है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। सो बिग बिग थम्स अप टू दिस वन। नेक्स्ट बात करते हैं, बेज कलर की हील्स आपने नहीं ली तो आपने क्या लिया। ये भी मैंने ली H&M से, इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। सबसे ज़्यादा ना मैंने कलर के पीछे इन हील्स को लिया था। एंड इसका स्टाइल की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश ये हील्स भी है। अगेन आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो ज़रूर आपने ये देख रखी होगी, क्योंकि वहाँ पे मैं फ़ोटोज़ बहुत पोस्ट करती रहती हूँ ऑलमोस्ट जब जब तैयार होती हूँ। इस हील को ज़्यादा नहीं पहना है। एंड गाइज लुक एट दी हील हाइट, बहुत ही ज़्यादा मीडियम इसकी हील हाइट है। एंड लुक एट द स्टाइल हील का, कितना ज़्यादा डिफरेंट, कितना ज़्यादा यूनिक है। इसके ऊपर ना कुछ ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। एंड ये हील जो है ये राउंड शेप में हील है, मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी थी। एंड फ्रंट से इसका साइज ये है, इसके जो टॉप पे है यहाँ पे फैब्रिक लगा हुआ है प्रॉपर, ये जूट वाला फैब्रिक है, आपके पैर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। एंड इसके ऊपर ये फैब्रिक लगा हुआ है ना, तो आपको स्वेट नहीं आता है नीचे पैर पे, ये बहुत ज़्यादा खास बात मुझे इस हील की लगी। एंड इसके भी टॉप पे यहाँ पे स्ट्रैप्स दे रखे हैं टाई करने के लिए, ये भी आप ड्रेसेस जीन्स उनके ऊपर पहने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है। स्कर्ट के नीचे आप इन हील्स को कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड। और कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका भी साइज जो मैंने लिया दैट वाज 38। फिटिंग इज Absolutely good. And price की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस था 2,699, but I got this pair only and only for ₹2,199. सेल में मुझे मिला 2,200 का ये पैर था। Highly recommending guys, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा different, unique and stylish और बहुत ही ज़्यादा comfortable पैर है, so I really love this one. Okay guys, so that's all for today's video and thank you so very much for watching my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ guys do not forget to hit the like button, subscribe to my YouTube channel और पास में दिया बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे. गाइज इन सारे के सारे हील्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है. आपको कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ गाइज गो एंड चेक आउट क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. ऑनेस्ट रिव्यूज़ मैंने आपको दिया और ये हील्स मैंने वार्डरोब से अपने आप लोगों के साथ शेयर किया है. कुछ भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए नहीं प्रोडक्ट शेयर किया है. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. और अगर आप कुछ और न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कुछ और आपके सजेशंस हो, जो जो वीडियोस आप देखना चाहते हो. मैं ट्राई करूंगी सारी की सारी वीडियोस बनाने की जल्दी से जल्दी और आप सब लोगों के साथ शेयर करने की. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी टिल देन, बाय.